हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आप लोगों का आज की इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि मार्केट में 155 बाट, 160 बाट और 165 बाट मार्केट में बिकता है, उसी तरह से मार्केट में 100 बाट के बजाय 100 बाट का भी बिकता है और 105 और 110 बाट का भी बिकता है। क्या क्या अंतर होता है, वो सब आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, ताकि आप लोगों का, अगर आप लोग पैनल खरीदने वाले हो, तो आप लोगों का नुकसान कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। और आपको कितने वाट का पैनल लगाना चाहिए, आज की इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखने के बाद सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दोनों पैनल बाहर निकले हुए हैं। एक पैनल है मसीमो कंपनी का, 100 वाट का, मैट्रिक्स कंपनी का 100 वाट का, और दूसरा पैनल है प्लाजा कंपनी का 110 वाट का। तो कितना अंतर है, वो सारी बातें इस वीडियो में करने वाले। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए दोस्तों। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। उससे पहले वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। एक पैनल है हमारे पास प्लाजा कंपनी का। ये कंपनी भी दोस्तों बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छी तरह से सेल करती है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास पैनल है मैट्रिक्स कंपनी का। स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैट्रिक्स कंपनी का ये जो पैनल है, इसकी बहुत सारी, मेरे हिसाब से यूपी में, तो मैं यूपी में, मेरी शॉप है तो यूपी में, तो बहुत बैटरी भी इसकी आती है और पैनल भी आता है, तो बहुत अच्छी कंपनी मैं मानता हूँ। और दूसरी तरफ हमारी तरफ प्लाजा कंपनी। प्लाजा कंपनी के साथ हमें वारंटी कार्ड मिलता है, भाई मैट्रिक्स कंपनी के साथ हमें कोई भी वारंटी कार्ड बॉक्स के अंदर नहीं मिलता। तो इस प्लाजा कंपनी पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कोने पे लिखा है 110 वाट का, ठीक है, और मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर डिटेल्स वगैरह हैं, और ये जो है इसका सीरियल नंबर है। एक बार हम देख लेते हैं सीरियल नंबर मैच करके। तो यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर लिखी है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, सेम है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें अगर रेट के बारे में, तो जो 110 वाला 110 वाट का पैनल है, वो 35 रुपये पर वाट के हिसाब से है। मतलब अगर हम 35 रुपये पर वाट के हिसाब से देखें, और 110 वाट 110 बार दोस्तों, ठीक है, तो ये निकल के आ रहा है 3850 रुपए का। लेकिन ये वाला जो पैनल है, ये है 34 रुपए बाट के हिसाब से, तो 3400 रुपए का 100 वाट का पैनल है। ये 3850 रुपए, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो केवल 450 रुपए का है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल साफ बताऊंगा। अगर हम एक बार साइज की बात करें, तो दोनों को सीधा कर लेते हैं इस तरह से दोस्तों, और बराबर रख लेते हैं दोस्तों। अब यहां पर आप लोग साइज देख सकते हो एक बार, ठीक है, साइज में क्या अंतर है। साइज में कहीं से कोई अंतर नहीं है, ना चौड़ाई में ना गुलाई में, बस यहां पर थोड़ा सा ये अंतर देखने को मिल रहा है आपको, लगभग 1.5 इंच का, कि यहां पर ब्लू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो जो ब्लू होता है वही चार्जिंग करता है, और जितना जो व्हाइट होता है ये खाली एक्स्ट्रा होता है, इसका कोई भी फायदा नहीं है। तो हमें ये तो मालूम चला कि ये 110 वाट का पैनल ओरिजिनल है, सही है, ठीक है दोस्तों। और यहां पर बीच बीच में ये जो थोड़ा सा सफेद है, ये थोड़ी सी ज्यादा है बामुकाबले इसके, तो ये चीज का भी ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में ये बताना कि 110 वाट का सही है या नहीं है। 110 वाट की एक बार हम चार्जिंग भी देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर बैक साइड में चार्जिंग में क्या अंतर है, आपको बिल्कुल पूरी वीडियो आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, और एंड में बताने वाले हैं कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना। चार्जिंग में 110 वाट लिखा है, वहीं इस पर लिखा है 100 वाट। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्टेज 21.6, और यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्ट 22.68, तो वोल्ट से ज्यादा अंतर नहीं होता चार्जिंग के होता है। तो यहाँ पर जो है एम्पियर 6, मतलब जो है 6 एम्पियर, 6.22 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो 5.86 एम्पियर। तो चार्जिंग भी दोस्तों इस पैनल की ज्यादा है, लिखी हुई जिस हिसाब से है उस हिसाब से ज्यादा है दोस्तों। और ये 110 वाट का पैनल बिल्कुल ओरिजिनल है इस 100 वाट के मुकाबले, ये 100 वाट का ओरिजिनल है अपने हिसाब से, और ये 110 वाट का ओरिजिनल है, ठीक है। बाकी कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ लोग करते हैं कि दुकानदार ऐसा करते हैं कि 100 वाट का पैनल होता है, उस पर स्टिकर 110 वाट का लगाकर मार्केट में 110 वाट का बेचते हैं, उसके 400 से 500 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो वहां पर आपको बहुत सावधानी से पैनल और बैटरी खरीदना चाहिए, ताकि आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड ना हो सके। तो यहां पर ओरिजिनल है, आपको अगर 110 वाट का अगर कहीं पर मिल रहा है और वो सही कंपनी का है, अच्छी कंपनी का है, तो आप ले लेना, लेकिन आप उसको देख के खरीदना। वैसे मैं कहूंगा कि 100 वाट का ही खरीदें, अगर कम लोड है तो 110 वाट में 10 वाट में कोई ज्यादा अंतर नहीं हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।